कई हफ्ते हो गए भाग दौड़ करते करते, तो आज जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, जब पेटियां सील हो जाएंगी, तो कम से कम एक अच्छी रात की नींद निकालने का मन है मेरा। तो सुना आपने, न चुनावी रणनीति बनेगी, न कोई सियासी बैठक होगी, वोटिंग के बाद सिर्फ नींद ली जाएगी। पिछले कुछ महीने के सियासी दंगल के बाद सचिन पायलट क्या करने वाले हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन ये सिर्फ हल्का फुल्का मजाकिया बयान ही नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास भी है, और इसके कई सियासी मायने हैं। और मायने क्या हैं, अब जरा ये सुनिए। यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ की जो सोच है, जो मिजाज लोगों का है, उसमें थोड़ा जानता हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार स्थिति अलग है। पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, हम विपक्ष में थे, बहुत कम संख्या में विधायकों का हमारे पास था, बीजेपी के पास पूरा बहुमत था केंद्र में और राज्य में। उस समय संघर्ष किया तो हम 21 से 5 गुना होके हम बहुमत के पास आ गए थे। इस बार हम सरकार में हैं, हम लोगों ने काम किया है, हमारे पास कहने को दिखाने को बहुत कुछ है, और देश में भी बदलाव हो रहा है। 10 साल से सरकार बीजेपी की दिल्ली में है, तो वो क्या महंगाई के हाल हैं, क्या रोजगार के हाल हैं, सब देख रहे हैं। तो लोग ऊब भी जाते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, तो सबका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। मुझे तो लगता है बाकी तो जनता के हाथ में, लेकिन हमें जो फीडबैक है कि कार्यकर्ता और मतदाता कांग्रेस के प्रति सकारात्मक हैं, और जो मतदान हो रहा है वो मुझे लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में। यानी पायलट को पूरा यकीन है कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलने वाला है। शनिवार की सुबह टोंक में वोट डालने के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बात की, और इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आए कि कांग्रेस फिर सरकार बनाने वाली है, और इस बार काफी अहम जिम्मेदारी भी मिलने वाली है, जिसका इशारा उन्होंने ये कहकर भी कर दिया है कि पार्टी किसी एक आदमी से नहीं चलती। हमारे यहाँ हम काम पर बात करते हैं, व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना जितवा सकता है, ना हरवा सकता है। टीम एफर्ट होता है, और हार जीत टीम की होती है। इसलिए कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है, कांग्रेस की जो सोच है, लोग उसको पसंद करें। पायलट का ये इशारा शायद राजस्थान के सीएम फेस को लेकर उठे सवाल को लेकर था, जिस पर गहलोत पहले से ही अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तभी तो कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त पायलट समझ रहे हैं कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर घमासान होना अभी बाकी है। और वो आप पायलट के इस बयान से समझ सकते हैं, जब हल्के फुल्के मूड में दिख रहे पायलट से पूछा गया कि वीकेंड पर फिल्म देखने जाएंगे, तो पायलट ने मुस्कुराते हुए कहा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी पिक्चर बाकी है। राजस्थान के चुनावी दंगल में तो जनता ने अपना काम कर दिया है, और राज या रिवाज बदलने के सवाल का जवाब 3 दिसंबर के लिए छोड़ दिया है। लेकिन पायलट और गहलोत के बीच की दूरी कितनी कम हुई है या कितनी बढ़ने वाली है, ये घमासान तो 3 दिसंबर के जनादेश के बाद भी देखने को मिलेगा। फिलहाल तो पायलट राजस्थान के सियासी दंगल में अपनी फिल्म बनाने में जुटे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।